बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके पास एजेंडा हो रहा है, सबसे पहले तो मैं ये है कि मैं आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस धूप के अंदर इस कॉन्फ्रेंस में आए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से और हमारी जानिब से आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान की हॉकी के बारे में है, क्योंकि आपको जैसे इलम है कि पिछले 1.5-2 साल से कोविड ने पाकिस्तान के अंदर पूरी सरगर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल ड्रॉप की हुई हैं, ना कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी भी है वो सारी की सारी ड्रॉप थी। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की जो अदारे हैं उनकी काबिज से आज हम इस मुकाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो नॉर्मल जिंदगी की जो फ़िज़ा है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक एजेंडा है वो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर जनाब खालिद सजाद खोखर साहब का, आसिफ बाजवा का और हमारी जो टीम है जिसमें मौजूद जदीद है, मैं हूँ, मेरी सेक्रेटरी है, कि पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान के अंदर हॉकी स्पेशली बिल्कुल जो है, क्योंकि 2-3 जो टूर्नामेंट है इंटरनेशनल डोमेस्टिक में और जैसे एशिया कप है, एशियन गेम्स है, जूनियर वर्ल्ड कप है, वो बार बार उनकी तारीख चेंज होती रही है, पोस्टपोन होते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ग्रेजुअली कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में अपने शॉर्ट टर्म जो कैंप्स हैं वो लगाए रखे ताकि प्लेयर जो हैं वो एक्टिव रहें और वो मैनेजमेंट के साथ उनका जो इंट्रैक्शन है वो बिल्कुल रहे कि जी के लड़के जो हैं वो अपने अपने शहरों में अपनी अपनी फिटनेस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। हमने हॉकी फेडरेशन से दरख्वास्त की कि इस वक्त जो हमारी अशद जरूरत वो ये है कि जो पाकिस्तान के जो बेस्ट 30 प्लेयर्स उनको जो भी इस वक्त जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हालात हैं उसको सामने रखते हुए ये दरख्वास्त कीजिए कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, जिसके ऊपर हम हॉकी फेडरेशन के ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब के, आसिफ बाजवा साहब के और हमारी जो टीम है इन्होंने दरख्वास्त की। दरख्वास्त में एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गो अहेड दिया, ब्रिगेड साहब ने, ब्रिगेड सज्जाद खोखर साहब ने जब उन्होंने गो अहेड दिया तो हमने ये कहा कि हम मीडिया के थ्रू पाकिस्तान के अंदर और हमारे खिलाड़ियों के अंदर ये चीज़ कम्युनिकेट की जाए कि 3 कैटेगरी ABC 50,000, 40,000 और 30,000। अच्छा, अब ये जो कैटेगरी हमारी 3 बनी है, हमारी यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ है कि हर माह के लास्ट में जो 2 दिन होंगे, फ्राइडे सैटरडे और संडे, फ्राइडे को ये लोग जो 30 लोग हैं रिपोर्ट करेंगे, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे इवनिंग, संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, इनके जो हमारे टेस्ट होंगे, फिज़िकल टेस्ट, इंड्योरेंस और टेक्निकल टेस्ट, ये टेस्ट क्लियर करने के बाद जो बंदा एलिजिबल होगा, जो उस मेयार पे पूरा उतरेगा, जो प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा वादा कर दूं कि जो पार्टिसिपेट करेगा उस सेशन में वो क्वालिफाई करेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें हमारे सीनियर भी हैं और कुछ जूनियर भी हैं। हर महीने के इत्तेदाम पर हर माह के आखिर, हर माह के आखिर जो लास्ट वीकेंड होगा, जैसे फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को ये शाम को इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे, तब उसको अगले महीने के पैसे मिलेंगे,
अर्जुन का दिया, वो जो हर माँ लेवल को मेंटेन, लेवल जो होगा उसको मेंटेन करेगा। हर माँ जो है ना, इसको इसलिए रखा गया है ताकि जो हमारे पास आने वाला जो वक्त है, जो हमारा टूर्नामेंट्स है, ताकि ये घर में रहें या डिपार्टमेंट में रहें, कहीं भी रहें, ये अपने आप को मेंटेन रखें, फिजिकली फिट रखें, ताकि किसी वक्त भी ऐसे जरूरत पड़े तो वो लोग जो ना बिल्कुल चीते की तरह तैयार हों। इसका मकसद ये है। तो उसके लिए हमने आपको जहमत दी कि आप आएँ और आपके सामने ये चीज़ रखी जाए कि जो सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन है 30 खिलाड़ियों का, ये हमने बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे कुछ 2-4 साल 5 साल 3 साल के लिए खेलने हैं, कुछ लोग जो है वो 2 साल के बाद आगे शायद रिटायर हो जाएं, लेकिन आगे जो फ्यूचर है उसको सामने रखते हुए, ताकि लड़कों के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर एक जो वलवला है, जोश है, वो पैदा हो, ताकि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ अपना पूरा तावन करें और जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं फिज़िकल फिटनेस के ऊपर और इंडिविजुअल जो उनके टैक्टिक्स हैं, वो अपना उसको पूरी तरह से अपने घर में बैठ कर भी हो सकती हैं, ग्राउंड में भी हो सकती हैं, कहीं भी बैठ। कहने का मकसद यह है कि डेली डे अगर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे तो शाम को अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, परवरदिगार मेरे लिए कुछ मेरी मेहरबानी करना। जब आप सुबह शाम अपना सेशन करेंगे, मैं वसूख के साथ कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि लड़कों के अंदर जो है ना वो एक रिदम पैदा होगा, उनकी जिस्मानी जो हरकत होगी उसकी वो सामने आ जाएगी कि इस बच्चे ने पूरे महीने में क्या किया है। उसका पता चल जाएगा कि पूरे महीने के अंदर पता लगा जी कि अभी उसका वेट था जी 70 kg, तो जब नेक्स्ट मंथ आ गया उसका वेट होगा 79 kg। इसका मतलब यह है कि उसने जो एक महीना घर में गुजारा है वो बिल्कुल कैजुअल गुजारा है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फायदा हो। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए, क्योंकि मैं और जिनेस डेली डे इस बात पर सोच रहे हैं यार कि लड़के घर में आए तो हमें कैसे चलेगा पता कि इनकी फिजिकल फिटनेस का लेवल क्या है। तो मैंने आसफ बाजवा साहब ने, राणा जाहिद ने, फौजा जिनेद और ब्रिगेड साहब के साथ मीटिंग करके तो ये चीज़ तय की कि जी कि हर महीने इनको सेंटर कॉन्टैक्ट दिया जाए और इनके साथ फिजिकल फिटनेस का जो लेवल है वो मेंटेन किया जाए। हमारे जो फिज़िकल ट्रेनिंग है उसमें जो टीम ने डेजिग्नेट किया है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच और हमारे एक ट्रेनर हैं आबे साहब, ये 3 बंदों की टीम इसमें होगी और इंशाल्लाह ताला प्योरली मेरिट के ऊपर काम होगा। इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और वसूख के साथ कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हमारा जो मकसद है, आने वाला जो वक्त है, वो पाकिस्तान हॉकी को उस मुकाम पर लेके जाने का है। वो तभी होगा जब हम ईमानदारी के साथ और हमारे लड़के जो हैं वो हमारे साथ ईमानदारी के साथ बिहेव करेंगे। तो इसके लिए ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फौजा जुनेद से भी मैं कहता हूँ कि वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको आगाह करें। सर ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं कि मैं अगर गलती तो नहीं हूँ, 4 वर्ष पहले आपसे बाजवा साहब कराची में मीडिया से मनोमान बता चुके हैं, अगर आपने कोई नाम अनाउंस करते हैं तो वो हमें बता दें कि आप ताकि हम कुछ नई चीज़ तो दे सकें आज तक नाम जी अगर कुछ आपने बताना है, क्योंकि ये भी सारी चीज़ें हैं कि स्टार्टअप को ट्रायल्स होंगे, 2 रोज़ा ट्रायल्स होंगे, इस सारा हफ्ते के रोज आपको बाजवा साहब कराची मीडिया में कुछ चीज़ अच्छे बता चुके हैं। अब अगर आपने हमें नाम देने हैं 30 लड़कों के ताकि हम कुछ नया तो फायल कर सकें, इसमें कुछ नई चीज़ें मैं बताता चलूँ जी। पहली चीज़ है कि 30 लड़के मधु किए जाएंगे और उसमें से टॉप 20 को 3 कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इनिशियली 6 लोग ए में, 6 बी में और 8 लोग सी कैटेगरी में, लेकिन जो हर प्लेयर का अपना एक इंडिविजुअल प्रोफाइल होगा अकॉर्डिंग टू हिज एज, वेट एंड हाइट। अगर वो उसको टॉप पे मेंटेन करता है तो वो ए कैटेगरी में जाएगा, अगर उसमें अभी टाइम दरकार है तो वो उसके मुताबिक बी और सी में होगा। तो 20 प्लेयर्स जो हैं वो 30 में से पहले उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल होंगे और फिर हमारे कैंप्स भी लगने हैं और हर इस टेस्ट के बाद, इसको हम कहेंगे टेस्ट एंड मेजरमेंट,
इनके बाद उसको नेक्स्ट पूरे मंथ के लिए एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा कि तुम्हारी ये डेफिशिएंसीज हैं, आपने इसके ऊपर वर्क करना है। और जो लड़के अपने टारगेट को अचीव किए होंगे वो कंडीशनिंग के जरिए उसको मेंटेन करेंगे। तो इसका अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में एशिया कप है जिसमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना, उससे अगले साल फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना। तो हमारे लिए इसका क्वालिफिकेशन मुश्किल हुई है। तो हमारे जो अल्टीमेट टारगेट्स हैं वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को वापस लाना और ओलंपिक में वापस आना। तो थ्रू दिस प्रोसीजर हम चाहते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को ऑल द टाइम थ्रू आउट द ईयर उनकी पीक पर रखें। ये अभी हमने रिक्वेस्ट कर दी है मजदूर भाई ने, अभी थोड़ी देर पहले जो पहला हमारा टेस्ट का जो डेट्स हैं वो अभी मेरे ख्याल PHF जो है अनाउंस कर देंगे। ये विदिन विदिन वीक इंशाल्लाह हो जाएगा। प्लेयर्स आप 30 बुला रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 20 को दिया जाएगा, तो बाकी 10 जो हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। देखें इट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अगर आप 30 बुला के 30 को देते हैं प्रोमोशन रेलिगेशन है, अगर कोई मेंटेन नहीं करता तो 21वां 22वां इन हो जाएगा, इससे 19वां 20वां बाहर हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें एक और चीज़ भी है कि जरा मैं आपके नाले में लेकर आऊँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाकर लीग खेलते हैं। अच्छा, जो लीग खेलने वाले जो लड़के हैं ना उनके लिए भी ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंडीशनल होता है, जो कि पाकिस्तान आपकी फेडरेशन के साथ और विंग एसटीएमएन सिलेक्शन कमेटी हेड कोच ने हमने तय किया है कि जब पाकिस्तान हॉकी को उन खिलाड़ियों की जरूरत होगी तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वो उसी तरह रिपोर्ट करेंगे जिस तरह क्रिकेट में भी होता है। तो वो लड़के जो हैं वो प्रेफरेंस देंगे जी कि पाकिस्तान हॉकी को रादर देन लीग को। इन एनी सर्कमस्टांस वो जो है पाकिस्तान हॉकी को उनकी प्रेफरेंस पहले होगी और लीग बाद में होगी, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर इफ एंड बट कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ें तो इसलिए आपसे कर रहे हैं जिक्र कि हमारे कुछ लड़के ज़्यादा जो है बाहर जाकर लीग खेल रहे हैं और वो प्रेफरेंस देते हैं जी कि हमारी लीग हो रही है, 2 मैच रह गए, 3 मैच रह गए, ऐसा नहीं है। जब हमने बुलाना है जो स्पेसिफिक डेट दी जाएगी, दे आर सपोज टू बी इन द कैंप अकॉर्डिंग टू द दैट डेट, उसके मुताबिक होंगे जी। सर आप दोनों काफ़ी अच्छे से हॉकी के साथ मुझे गए हैं और पिछले काफ़ी अच्छे से सर भी कर रहे हैं, फादर भी सर भी कर रहे हैं, तो अभी तक आप दोनों मतलब अभी आप कह रहे हैं कि 30 खिलाड़ी जैसे क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं तो एक साल के लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो बाउंड होते हैं PCB के साथ। अब आप खिलाड़ियों को हर माह में अगर लाएंगे तो उसमें एक खिलाड़ियों के लिए भी थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। दूसरा ये है कि अगर आप ऐसा कर लें कि आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि पहले 20 खिलाड़ी कौन से हैं टॉप के जिनको आप पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं पूरे साल के लिए, ताकि खिलाड़ी जो है वो कश्मकश से निकल सके, मुझे अगले साल अगले माह कॉन्ट्रैक्ट मिले। आप ठीक करें, लेकिन ये है कि वो कंपेरिजन जो है ना वो कंपेटेबल नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम है ना वो बड़े लिमिटेड है क्रिकेट के साथ। तो इसके साथ जो हमने करने हैं ना वो मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं और हमने उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें ग्रेजुअली कोई फिगर जो है या कॉर्पोरेट कोई सेक्टर हमारे साथ बीच में ऐसे आ गया तो हम लड़कों को जैसे आप 30 कह रहे हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये है कि इनकी जो रकम है ये बढ़ भी जाएगी, रकम भी बढ़ जाएगी। It's a just initiative to start, तो ये स्टार्ट है ये। तो वो मैंने बताया कि रिसोर्स जो हमारे पास हैं जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे उसके बावजूद जो दे रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट PHF जो है वो बड़े कीन है कि लड़कों को जो मैक्सिमम पे लेके जाया जाए ताकि ये इनकी जो फाइनेंशियल और इनकी मौशी हालत जो है ना वो बेहतर हो जाए। देखिए इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं ना हर प्लेयर को फॉलो करना पड़ेगा। वो एक डेट देंगे जहाँ मर्जी बच्चे लीग खेलें जब उनके पास लोकल कमिटमेंट नहीं है, लेकिन जो एक पीरियड होगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी फेडरेशन डिसाइड करेगी ही हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द कैंप, अगर वो नहीं आता है तो वो उसमें टीम का हिस्सा नहीं होगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट जो प्लेयर लीग खेल रहे होंगे और इसी तरह मंथ के एंड में आके तो इस टेस्ट एंड मेजरमेंट का हिस्सा नहीं होंगे, उसका भी फैसला इंटायरली फेडरेशन के पास है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है या नहीं है। इसलिए 30 लड़कों को मधु किया गया जी बिल्कुल, और उसको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। वो ये भी जो होगा जी मैं बीमार हूँ या मुझे कोई काम पड़ गया है मैं जा रहा हूँ, उसने इस जो इवेंट है
दो दिन का उसमें पार्टिसिपेट करने उसकी अपीयरेंस जरूरी है। जो बाहर लीग खेल रहा है वो कैसे आएगा जी? देखिए जो बाहर लीग खेल रहे हैं उनके लिए नंबर वन है कि वहाँ पे वो हॉकी खेल रहे हैं, नंबर टू इसलिए हमें 30 लड़के रखे हैं, अगर वो नहीं बनना चाहेगा इसका हिस्सा, अगर लेट्स से अगर वो आके तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, तो इसलिए 30 प्लेयर्स अनाउंस किए गए हैं। लीग वाला बच्चा ऑलरेडी एक मैं समझता हूँ फंड जनरेट कर रहा है, तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इससे मुस्तफीद हों। तो हमने जो एक लेवल सेट कर देना है जो लेवल सेट कर देना उसको मेंटेन कर देना, हमने ये है 20 आदमी को और हमें जो देना है वो लेवल सेट करेंगे उस सेट के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कि 30 के 30 जो है उस लेवल पे आ जाएंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे क्योंकि हम भी स्पोर्ट्समैन हैं, हमें पता है कि इसकी ग्रेविटी क्या कहती है। लेकिन यह है कि कोशिश तो ये हमारी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि प्रेजिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बरबीर सज्जाद खोकर बड़े कीन है इस मामले में कि वो मैक्सिमम लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह करें कि कोई ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर से हमारे साथ लोग एसोसिएट हो जाएं, मिल जाएं, अटैच हो जाएं, कौमी खेल को अगर वो संभाल सकते हैं ना तो मैं कहता हूँ ये मौका है। मेरा तो इतना क्वेश्चन है कि जो लड़का 10 में आ रहा है और पेशावर से आना है उसने, उसके लिए कोई अकाउंट है उसको रिटेनरशिप भी होनी चाहिए, उसने 10,000 महीने का मैं देता हूँ जी। लेट्स से अभी हमारे तकरीबन 6 से 7 लड़के जो हैं वो कंटिन्यूअसली लीग खेल रहे हैं, राशिद, रिजवान, अली शान, अबू बकर, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे पास 21 से 22 लड़के ही इसमें फर्स्ट सेशन में अवेलेबल हों, तो लिहाजा इसलिए इस चीज़ को रनिंग रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 20 बच्चों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और बाकी 30 लोग अगर 30 से 30 आएंगे तो उनके जो आने का, रहने का, खाने पीने का, डेली अलाउंसेस वो एज इट इज़ चलेंगे, फिर हमारे कैंप्स भी जो हैं वो ड्यूरिंग दैट पीरियड चलते रहेंगे। ये सिर्फ टेस्ट देखें, इसमें वो तमाम प्लेयर मौजूद हैं जो जूनियर और सीनियर के ऑलरेडी पाकिस्तान टीम्स में खेल रहे हैं और तमाम प्लेयर्स ही पाकिस्तान टीम की वजह से लीग्स लेते हैं, तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो पाकिस्तान टीम की तरफ से ना खेलना चाहे, तो ये ऑब्वियस है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसकी अवेलेबिलिटी एक मैटर हो सकता है लेकिन टीम के लिए मैटर नहीं है। टीम के लिए हम अलहदा से एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक प्लेयर पाकिस्तान कैंप में अगर नहीं आता है तो वो जैसे माजी में होता रहा कि डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगा मलेशिया, यूरोप, ये नहीं होगा, वो ही हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द कैंप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए ये मैंने एक आपको पहले वादा किया है कि जो टेस्ट है फिजिकल टेस्ट है ये हर उस शख्स ने पास करके अगले वो कैंप के लिए आना सकता है, वो जब भी वो अगर पास वो बाहर है जब भी आएगा वो उस पर पार्टिसिपेट करेगा बोलता, लेकिन वो टेस्ट जरूर क्लियर करेगा। हाँ जी, टेस्ट में जी 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 बताएं बताएं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फिजिकल टेस्ट जो हमने लेना है 30 लड़कों का लेना, ये है कि हर महीने होगा, ये हमारा जो मकसद ये है कि हमने ये चेक करना है कि खिलाड़ी जो है कि क्या अपने डिपार्टमेंट में या अपने घर में रह के या अपने ज़िले में सूबे में रह के क्या वो हॉकी के साथ मुंसलिक है या नहीं है, या उसकी दिलचस्पी है कि नहीं है, उसकी फिटनेस से पता चल जाएगा, हमने तो उसका फिटनेस लेवल देखना है तो तब उसको कॉन्ट्रैक्ट देना भी। मैं आपको थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर दूँ जी, थोड़ा सा मंजूर भाई जी बात जो उन्होंने बिल्कुल सिमिलर है, एक बच्चा अभी एक टेस्ट में आता ही नहीं, वो भाई लीग खेल रहा है, आपका पॉइंट है कि वो टीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये पॉइंट है आपका। देखिए एक ने लीग खेल रहा है और वो अच्छा प्लेयर है और एक हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो आता ही नहीं है, हम उसको रखना चाहते हैं लेकिन वो टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं लेगा, बट जब टीम के लिए वो अवेलेबल है तो वो ट्रायल्स में अपीयर होगा, अगर टीम की ज़रूरत होगी तो टीम में आएगा, दैट इज़ क्लियर। नहीं नहीं यही कहा हमारा मैंने कहा तो नहीं, 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 ऐसा नहीं है,
नहीं नहीं देखें एक एक प्लेयर भी कतई तौर पर ऐसा नहीं है। एक गल क्लियर कर दो जुमला कह दो कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के ट्रायल वास्ते ऐसे ठीक रहा डिप्लोमा के कॉन्ट्रैक्ट वीक रहा है एस ने बोला बोल 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 देखिए 30 सामने सामने अभी अभी तो जो पहला सेशन होगा ये मेरा जो जुलाई का फर्स्ट वीक होगा उसमें हम करेंगे ये ट्रैक्स। लेकिन उसके बाद यह कि हर माह के एंड में 30 खिलाड़ियों को बुलाएंगे और उसके अंदर 20 को हम जो है नॉमिनेट करेंगे रिकमेंडेशन करेंगे। सर जी हमने तो उनके साथ जो जो खिलाड़ी है ना उनके साथ ये तय किया है कि आपने पाकिस्तान हॉकी को प्रेफरेंस देनी है रादर देन लीग। पहली आपकी प्रायोरिटी जो है ना पाकिस्तान है। अगर वो कहता है जी कि मैं बिल्कुल जो है ना हॉकी से खैरबाद हो रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं नहीं खेलना चाहता तो वो एक अलग इशू है। अगर एक प्लेयर ऐसा है जो पाकिस्तान का रनिंग प्लेयर है वो लीग खेलने जा रहा है हमारे लीग के अंदर जो लेटर्स को इशू होता है वो ये होता है और उसके डिपार्टमेंट को भी जाता है कि जब स्पेसिफिक डेट को हम इसको बुलाएंगे तो ये डिपार्टमेंट बॉन्ड होगा उसको यहाँ पे पाकिस्तान कैंप में उसको इनवाइट सर वो तो किसी कीमत के लिए होगा। जब आप कैंप लगाते हैं ये तो आप मीटर 10 ले रहे हैं हर महीने के बाद तो सर उसमें नहीं आता तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे ना सिंपल सी दैट सर एक बार वो ही इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसमें कोई डिटेल नहीं थी एलिजिबल होगा देखिए टीम में वो स्पेसिफिक टाइम से पहले आ जाएगा और वो ट्रायल दे ये जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ये है कि जो पार्टिसिपेट करेगा तो जो टीम वाला इशू है ना मैडम टीम वाला इशू ये है कि जब उसने आना है तो फिर तो ट्रायल तो होंगे एग्जैक्टली तो वो जो जो बात होगी फिटनेस की वो तो उसमें तब भी वो शो कर देंगे। सर एक ठीक है सर एक और बात जी जी बोले 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 आप बड़ी देर मुझे नेशनल टीम में सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिजिकल टेस्ट जो है वो हर महीने होते रहेंगे या मैचेस भी देखने को मिलेंगे या आप समझते हैं पूरा महीना एक महीने बाद आके फिजिकल टेस्ट दें और घरों को वापस लौट जाएं क्या यही सिलसिला जारी रहेगा या लड़कों को मैच भी खेलने को मिलेंगे ताकि नेशनल अगर अभी ये जो अभी जूनियर का कैंप जो है ना आज से शुरू हो रहा है और कल इसकी रिपोर्टिंग है ये 18 तक कैंप लगेगा और जूनियर के साथ ये है कि जूनियर के कैंप को जब हम कंक्लूड करेंगे तो एक तकरीबन को 22-23-24 जो लड़के वो सामने रखे जो आने वाला जूनियर वर्ल्ड कप है उसको सब रखते हुए हमने 3-4 डिपार्टमेंट को ऑफर किया है रिक्वेस्ट किया जिसकी उन्होंने एग्री भी किया है। मेरे ख्याल 18-19-20 से अभी वो बाजवा साहब जो हैं वो लाइन पे हैं इनकी ना एक लीग कराई जाएगी लाहौर में 4 टीमों या 5 टीमों की जो वो आपस में खेलेंगे तो वो जो एक चीज़ तो सामने वादा हो जाएगी ना कि अभी जो हमारा प्रिपरेशन जो कैंप लगेगा जूनियर का वो 4 टीमें जिसमें बैंक्स हैं मेरे आर्मी है एच ई सी है और सुई गैस है वापडा नेशनल बैंक। थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया जी सर।